हाँ तो इसका तो उत्तर यही है कि उसको पता ही नहीं है कि वो राहुल मेहता कहाँ रहता है, उसको नहीं पता होगा, नहीं तो उसको पता होता राहुल मेहता कहाँ रहता है, जाके मार देता है क्या? अभी हो सकता है मुझे मारने का प्रयास करे रॉसचाइल्ड, क्योंकि मेरा मेरा पता आ गया है ना चुनाव आयोग की वेबसाइट पे, उसमें इतनी जल्दी कहाँ है। जब उसको लगेगा कि इसमें, घातक हो जा रहा है इतना तो वो मार देगा। या तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि राइट टू रिकॉल पार्टी का मूवमेंट इतना तेज हो जाए कि उस रॉथशाइल्ड को मोदी से अच्छा एजेंट इसमें से भी कोई मिल जाए, इसलिए इसे चला रहा हो। ये हो सकता है। तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, कर करके सब लोग अपनी अपनी चलाओ तो भैया आनंद शुक्ला, तुमसे पूछा कुछ जिंदगी में चल रहा है, तो उसका तो तुम्हारे पास कुछ उत्तर हो है नहीं। तुम कह रहे हो कि रोज चैल जो है राहुल मेहता अरे भाई जीवन के द्वंद देखिए कितने बारी बारी, इतने बार रोज चैल जो है बारी उसने अभी तक राहुल मेहता को मारा क्यों नहीं। देखिए इसका गरीब सबसे सबसे जो सटीक उत्तर ये है कि बहुत छोटा है राहुल मेहता, अभी रॉसचाइल्ड को फर्क पड़ता नहीं ऐसे छोटे मोटे एक्टिविस्ट से, ठीक है। तो उसका जंजाल बहुत बड़ा है और उसको बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने हैं, उसको ये अंजाम देना है कि मतलब यार जैसे कि अभी बंगाल का चुनाव हुआ उसके अंदर बीजेपी को कैसे लेकर आए, तो ये उस लेवल की गेम उसको खेलने है। गेम भी क्या खेलना है, मतलब उसको टास्क को अंजाम देना है उसे। वो राहुल मेहता को थोड़ी ना मारने बैठेगा यार, वो 32,000 सब्सक्राइबर वाला एक यूट्यूबर है ना, और उसकी पार्टी के लोग चुनाव में उतरते हैं, दो दो पांच पांच नगर निगम में वोट लेकर आते हैं, समझ रहे हो। विधायक के चुनाव में एक कैंडिडेट जी उतरता जी है, वो खुद ही कैंपेनिंग करता रहता है और वो इतना बड़ा थ्रेट है कि रॉस चैंडिस को मारने आएगा, तो ये कैसा कैसा प्रश्न है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ यशपाल से बात करनी थी, यशपाल